एमपी में 28,000 भर्तियों के रिजल्ट जल्द, मुख्यमंत्री बोले एक साल में देंगे 90,000 रोजगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर्स समिट, मध्य प्रदेश में इस बार इन्वेस्टर्स समिट उज्जैन में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में 1-2 मार्च को होने वाले व्यापार मेले के दौरान इन्वेस्टर्स समिट भी प्रस्तावित है। इसमें विशेष रूप से पर्यटन, कृषि और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। समिट में प्रदेश भर से ही नहीं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों के निवेशक भी हिस्सा लेंगे। सीएम ने यह ऐलान शनिवार को विभागों की बैठक के दौरान किया। इससे पहले शुक्रवार को गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित करीब 700 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के बाद अब कर्मचारी चयन मंडल से हुई 28,000 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट भी जल्द आने वाले हैं। रिजल्ट जारी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, साल 2024-25 में रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का भी लक्ष्य है। ढिंडोरी, ग्वालियर, उज्जैन में मोटे अनाज के रिसर्च सेंटर बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने कहा कि ढिंडोरी में श्री अन्न अनुशासन संस्थान, उज्जैन में चना, ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना से इन फसलों की देशी किस्मों के संरक्षण और नई किस्मों के विकास की राह खुलेगी। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क, ऊर्जा उपकरण निर्माण, पीएम मित्र पार्क और मेडिसिटी के निर्माण का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा 100 स्कूलों में रोबोटिक्स और कोडिंग ट्रेनिंग के लिए विशेष लैब बनेगी। सीएम ने कहा कि मालवा से राजस्थान को जोड़ने के लिए पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को मिलाकर विशेष लिंक परियोजना बनाई जा रही है। इसके लिए जल्द ही राजस्थान सरकार के साथ एमओयू किया जाएगा। लाडली शक्ति क्रेडिट कार्ड से 1,00,000 रुपए तक का लोन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में महिला स्व सहायता समूहों को 3,700 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक लिंकेज तथा लाडली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यवसाय के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर 1,00,000 रुपए तक की बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।